हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष मनाली और आप देख रहे होंगे इतने सारे नींबू। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे नींबू का करेंगे क्या। राइट, आपने सही सोचा कि हम इसका अचार बनाएंगे। तो मेरी इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और देखिए कि कैसे हम अचार बनाते हैं। यहाँ पापा नींबू धो धो के रख रहे हैं, धूप में सुखा रहे हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। गाइस, अभी एक बाल्टी नींबू धोए जा रहे हैं और दूसरी बाल्टी में दोबारा धो के सुखाने डाल रहे हैं धूप में। और देख सकते हैं आप गाइस, अभी जो ये नींबू का अचार डल रहा है ये बहुत टेस्टी जलता है और जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है ये सेहत के लिए भी। ये मोटी मिर्च का छौंक के बनाएंगे। ये तो हम ये नॉर्मल खाने के लिए बनाएंगे। वो प्रकार का अचार ही है बट दूसरे तरीके से, इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता है, सिर्फ छौंका जाता है। साफ करके काट के इसके अंदर मसाला भर के छौंक किया जाता है। नमक और अमचूर का मसाला। और ये साफ करके धो दिए गए हैं, पोंछ-पाछ के साफ पूरी तरह से हाइजीनिक तरीके से। और इन सबको हमने ये दो पानी में धोया है और इसको बिल्कुल अच्छे तरह से पानी में धो के धूप में सुखा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी बिना रहे। गाइस, अब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। गाइस, नींबू के अचार के साथ हम मिर्च भरवा बनाएंगे जो कि दिन में खाने को मिला जाता है। और फिर इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। और ये बिल्कुल ताज़ा हरी मिर्च आप देख सकते हैं, इसके कलर से ही आपको लग रहा होगा कितनी ताज़ी है। और अगर ये ताज़ा ही इसे कर लिया जाए तो बहुत ही स्वाद होता है। दिया जाता है। अब इसके अंदर मसाला भरा जाएगा और इसे फिर गर्म तेल में छौंक दिया जाएगा। सरसों के तेल में बहुत स्वाद आता है। लाइए मसाला। अभी हम मसाला बनाएंगे इसलिए हमें खाली करना पड़ रहा है। और देखिए इसमें इस नींबू के अचार में हम कौन कौन सा मसाले डालेंगे। इसमें काला नमक डालेंगे, लाल मिर्ची, गरम मसाला, ठंडा नमक, सादा नमक और ये है अजवाइन। ये है मेथी, ये है सौंफ, ये है चीनी। ये सब सामान इसमें डलेंगे। ओके तो गाइस, अब ये इन नींबूओं को ऐसे पीस में काटा जा रहा है। ये दो विधियां होती हैं इसकी, एक तो ऐसे काट के भी बनाया जा सकता है और इस तरह से रस निचोड़ के भी बनाया जा सकता है। रस निचोड़ के बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो गाइस, ये आई हैं अब अचार बनाने के लिए। स्पेशल बुलाया गया है इन्हें। अचार स्पेशलिस्ट है वो। हमारे जितने घर में भी अचार बनते हैं सब यही बनाती हैं ताई जी। हर तरह का अचार ये बनाने के लिए सबसे मेन मिर्च
मिर्ची का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, करेले का अचार, ना करेले का अचार जो ना बनाते होगा। अब इसकी बारी, किसकी बारी? अब एक जना मेरे को बताते हैं ना क्या क्या चीज पड़ रही है। पहले क्या काटूं? चश्मा थोड़ी और कितने किलो का है ये ना मम्मी? कितने किलो है ये? 6 किलो में अंदाजे से डाल रहे हैं सारे। अभी सौंप पड़ रहा है, सौंप डाला जा रहा है। योगेश्वर करके मंगवाई थी खुली, है ना? योगेश्वर करके खुली दे आपको, ऐसे पैकेट ही लाती हूँ। अभी अजवाइन डाली जा रही है, अभी अजवाइन डाली जा रही है। इनकी मोटियों को भी शक्ल दिखा दो। मिट्टी कितनी होंगी? आधा एक पाव होंगी ना? ये ज़्यादा ही होगी ना, तो और डालनी मेरे पास और है। मैंने पैकेट में खोला, गरम मसाला, ये गरम मसाला है। कम है काला नमक, अब काला नमक डाला जा रहा है। ये सेंधा नमक, ये सेंधा नमक है, और ये आपका नाम क्या है? नाम बता दो अपना, जोर से उधर मुंह देख के, उधर को करके उधर मुंह। जान, जान भी और प्रद्या, प्रद्या ये साधारण काका नमक, और ये रोज खाने देश का नमक, रोज खाने वाला नमक, देश का नमक टाटा नमक। स्वाद अनुसार डाल रहा है अंदाजे से, वो भी मिर्ची वो डाले हो जाएगी, तेज तेज खाएंगे नहीं, अपने अंदाजे से डालो, तेज ना हो जाए। पिछली बार वाला बिल्कुल सही है वो। हाँ तो नहीं होगी, 6 किलो में चीनी भी तो डलेगी ना। ये चीनी डल रही है, ये चीनी 6 किलो में 4 किलो चीनी पड़ी है। अब ये पूरे 6 किलो का अचार सब कुछ और बन रहा है, बाकी और कुछ बचा है? डल गई, सब कुछ डल गया, नमक डल गया, सौंफ भी डल गया। ये इनको हम प्लास्टिक के डिब्बों में डाल रहे हैं।